नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके खेत वाली मोटर का लोड ज्यादा आ रहा है तो आपको कैसे कम करना चाहिए, क्या उपाय है, अलग अलग तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते रहे मेरे साथ इस वीडियो को। दोस्तों मोटर का लोड कैसे चेक करते हैं भाई? अगर आपके 10 की मोटर है तो कम से कम उसे 15 का लोड लेगी, कम से कम 15 का लेगी। ज्यादा से ज्यादा भाई 20 से अगर ऊपर जाए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों जितना लोड बढ़ेगा उतना ही खर्चा ज्यादा आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। होता क्या नॉर्मली दोस्तों, अगर वैसे कंपनी तो कहती है कि डेढ़ा मतलब 1.5 गुना लोड लेती है मोटर अपने जितने HP की होगी। जैसे 10 की मोटर है तो 10 + 5 मतलब आधा 15 का लोड लेगी। अगर कंपनी कहती है पानी बहुत ज्यादा निकाल रही है, 10 की मोटर नॉर्मल जितना पानी निकाले अगर उससे ज्यादा निकाल रही है तो थोड़ा लोड बढ़ेगा, क्योंकि पानी ज्यादा निकाल रही है, पानी ज्यादा उठा रही है, नीचे पानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए थोड़ा सा लोड ज्यादा ले तो कोई दिक्कत नहीं, पानी भी ज्यादा मिल रहा है। बट अगर कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि मोटर में कहीं फॉल्ट आ जाते हैं, ब्रश कर जाते हैं या फिर बैरिंग टूट जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या होता है, मोटर लोड ज्यादा लेने लेती है। जैसे हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे थी 15 की मोटर और वो लोड ले रही थी 40 का, तो दोस्तों 40 का लोड बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा कहें ना लोग तो 30 का लोड लेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा भी 30 से ज्यादा लोड नहीं लेनी चाहिए, ये बात कहती है कंपनी। ठीक है, तो हमने उसको काफी मतलब माथापोड़ी की, पर वो सेट नहीं बता। हमने कैपेसिटर भी लगाया, बट दोस्तों कैपेसिटर लगाने से 2 एम्पियर लोड जरूर कम हुआ, बट ज्यादा लोड जैसे जो 40 का वो 30 पर नहीं आया। फिर दोस्तों हमने क्या किया है, हमने मोटर ही चेंज कर दी। हमारे पास पहले थी वरुणा की 15 HP मोटर, फिर हमने डाल दी कलसी की 15 HP की मोटर। कलसी की 15 HP की नई मोटर डाली तो उसमें दोस्तों क्या बेनिफिट हुआ कि लोड आने लग गया 26-27 का, जो कि एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों 1-1 एम्पियर काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि दोस्तों लगातार मोटर चलती है और उसमें बिल का खर्चा ज्यादा आता है। अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं तो करीबन 1000 से 1200 रुपये लगते हैं, अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं 2 एम्पियर लोड हमेशा कम रहता है, तो ये एक बेनिफिट है। पानी उतना ही निकालती है, बट बेनिफिट ये है कि आपका लोड कम हो जाता है तो बिजली का बिल भी कम आएगा। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है तो 2-3 एम्पियर लोड कम करना है, तो ऐसा कैपेसिटर लगा दीजिए जो पीछे की तरफ लगा हुआ है काले रंग का, ये इसकी तारें देखिए सीधे जाती है स्टार्टर में, स्टार्टर में गई हुई ये रही तारें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप एक स्टार्टर लगाकर अपने 2 एम्पियर लोड कम कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी कहीं लोड ज्यादा आ रहा है, जैसे 15 की मोटर है तो हमारे 27 का लोड ले रही है, वैसे कंपनी कहती है 23-24 का ले, बट पानी काफी अच्छा निकाल रही है तो 27 का लोड ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे 26-27 का। बट इसके बाद जरूर ध्यान रखिए, अगर 30 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ी दिक्कत है, मोटर को चेक कराएं। मोटर चेक नहीं कराएंगे, आप ऐसे चलाएंगे तो आपका बिजली का खर्चा ज्यादा आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया, तो छोटा सी वीडियो थी बताने के लिए, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, हो सके तो कांटेक्ट करूंगा। अगर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, तो प्लीज दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों मैं खेती के संबंध में वीडियो डालता रहता हूँ, बट मुझ में इसमें थोड़ी सी परेशानी आई थी लोड के चक्कर में, हमने पूरे 37,000 लगाए थे, मोटर का खर्चा काफी महंगा पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा वीडियो बता रहा हूँ। तो प्लीज दोस्तों मोटर का लोड है तो उसे जरूर कम कर ले, नहीं तो बिल का खर्चा ज्यादा बहुत आएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।